नहीं बोला तो हमारी पंचायत में बोल देगी कि तुम्हारे और इसके नाजायज संबंध है। दोनों के बीच वो सब होता है जो एक पति पत्नी के बीच होना चाहिए। जय, मैं नहीं चाहती थी कि तुम बताओ हमारा प्यार बताओ। जय, मैंने वो सब बोल दिया तो इस दाएजासी ने मुझसे कहा। हुकुम साहब बिल्कुल झूठ बोल रही है ये इन्हीं की आवाज है कुंवर साहब, ये इन्हीं के शब्द है। हुकुम साहब मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, ये मैं ना कर सकती हूँ, मैं ये क्यों करूंगी? क्योंकि तुम खुद दहेजा से होते हुए भी शुरू से जय के सपने सजा के बैठी हो। जब से इस घर में आई हूँ जय को अपने पति की नजर से देखती हूँ। मैं से आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना होने दूंगी, तुम्हारे को जो करना पड़ेगा मैं करूंगी। गलत, चुटरी ने कभी ऐसा नहीं जताया मुझे। उसे सिर्फ मेरी परवाह है, उसका मन महला नहीं है। उसने ये जो कुछ भी किया ना तुम्हें सिर्फ डराने के लिए किया होगा। चुनरी ऐसा नहीं सोच सकती, भरोसा है मुझे उस पर। सॉरी सर, किंतु मैं इंसानों की परख ही नहीं, लेकिन मुझे इसलिए मैंने गलत को गलत और सही को सही चुनने में कोई भूल नहीं की। हे माता जी महाराज, ये कैसा खेल खेल रही हैं आप मेरे साथ? ये अनुषा इसे कोर्सा को अपने झूठ में फंसा रही है। बस कोई बहस ना चाहिए मने मने फैसला ले लिया है, और वैसे भी इस दहेज दासी और उसकी फोन रिकॉर्डिंग की कोई मायने ना है। गलती जय की है तो सजा भी जय को ही मिलेगी। राशि बिंदनी वो थाल लेकर आओ। जय है थारी सजा। अनुषा ने सच को अपने तरीके से गलत साबित कर दिया, अठे कोई मारी बात पर भरोसा ही नहीं कर रहा है। पता नहीं हुकुम साहब काई सजा देने वाली है कोर्सा को। तारी सजा जे है कि तू अनुषा से ब्याह करेगा। नहीं कोर्सा, ये ब्याह के लिए हाँ मत कहना। हे माता जी महाराज, ये ना थोड़े से रोकिए, मैं कैसे बताऊं अनुषा की असलियत इन सबको? उसे अपने बींदनी के रूप में स्वीकार करेगा। ये हुई ना बात, अब मेरे होने वाली सासू माँ ने 50 गाँव की महासरपंच वाला फैसला सुनाया। I love you for this, my होने वाली सासू माँ। आज जो कुछ भी हुआ सो हुआ, और पहले भी तुम दोनों के बीच प्यार था ना, तो बस वही बनेगा इस रिश्ते की नींव। यही सही रहेगा जय, बोल
स्वीकार है ना थारे को जे सजा, या फिर कोई आपत्ति है? मां साहब, जो आपकी मर्जी वही मेरी मर्जी। तुम्हें क्या लगा दही सासी, तुम अनुषा से आगे निकल जाओगी? तुम जानती नहीं हो अभी मुझे, इतनी आसानी से तो जय को तुम्हारा होने नहीं दूंगी। नहीं कोर्सा, आप अनुषा को अपनी बिंदरी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। मैं हूँ आपकी असली बिंदरी, मारे रहते आप किसी और के कैसे हो सकते हो? सुमेर सिंह जी, अब तो आपको कोई शिकायत ना है ना कि पंचायत करने में, प्रथाओं को निभाने में, अपने परिवार को सामने देख कोई पक्षपात कर सकती हूँ? आज का दिन गवाह है इस बात का कि कितना बड़ा दिल है आपका कि बिना किसी पक्षपात के आपने अपने बेटे को सजा सुना दी। इससे पहले कि जे सच बाहर आए कि महासरपंच सा का बेटा एक दहेज दासी से ब्याह कर चुका है, उसे अपनी बिंदनी बना चुका है, मुझे दहेज दासी को अपनी बहू बनाने से रोकने के लिए अनुषा को अपनाना ही होगा। दहेज दासी, तूने दोबारा मुझसे पंगा लेके ना ठीक नहीं किया। एक बार ये शादी हो जाए फिर देख इस घर से और जय की जिंदगी से तेरा पता कैसे साफ करती हूँ। आज से तेरी उल्टी गिनती शुरू। पंडित जी, जी जय और अनुषा के ब्याह का कोई शुभ मुहूर्त निकलवाइए। जी ये तो बहुत अच्छी बात है। उन दोनों बच्चों की जन्म कुंडलियां कहाँ है दीजिए? जी जय कुंडली। जी ये ब्याह आप कैसे करवा सकती हो? क्यों पंडित जी, कुंडलियों में मेल ना है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल बात यह है कि जय बना की शादी हो चुकी है। वो शादीशुदा है महासरपंच साजी। पंडित जी, जय की बिंदनी वेदिका तो स्वर्ग से धार गई है। देखिए, ग्रह नक्षत्र कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। जय बना की व्याहिता अभी जिंदा है। जन्म कुंडली के आधार पर उनकी वैवाहिक डोर अभी टूटी नहीं है। एक शादीशुदा जीवन में किसी और को जोड़ना एक महापाप होगा, और ऐसे किसी महापाप का भागीदार मैं कभी नहीं बनना चाहूंगा। भाभी साहब, हमें पंडित जी की बात मान लेनी चाहिए। 50 गांव में सिर्फ एक पंडित ना है, और भी होंगे। ऐसे किसी पंडित को ढूंढिए जो कुंडली पर नहीं पैसों की कट्टी पर ध्यान दे, क्योंकि चाहे जो भी हो जाए जल्द से जल्द जय और अनुषा के ब्याह का मुहूर्त निकलवाना ही होगा। आप डॉक्यूमेंट्स पहुंचवा दीजिए। जय, मेरी बात तो सुनो। ओके, मैं कॉल करता हूँ। मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। आज तुम्हें यकीन नहीं हो रहा था ना कि चुनरी की तुम पर गंदी नजर है। फिर तुम खुद ही फैसला कर लेना कि क्या सच है और क्या झूठ। ये क्या बचपना है अनुषा, मैं चुनरी को तुमसे ज्यादा जानता हूँ। उसके दिल में ऐसा कुछ नहीं, उसका मन बिल्कुल साफ है। तुम चलो। अनुषा मेरी बात। चलो खुद ही देखो। क्या दिखाना है अनुषा तुम्हें?
अगर उसका मन साफ है तो ये सब क्या है जय? कभी कभी किस्मत भी साथ देती है जय। मैं यहाँ चुनरी को किसी काम से बुलाने आई थी और फिर अचानक ये पर्दा गिर गया और ये सारा सच मेरे सामने आ गया। ये पेंटिंग उस चुनरी ने बनाई होगी ना, आई एम श्योर। और ये लव लेटर ये भी उसने ही लिखी होगी। जय चुनरी के मन में तुम्हारे लिए कुछ तो है, और ये क्या है ये भी मुझे तुम्हें समझाना पड़ी। इतने तो बच्चे नहीं होना तुम। अरे आप लोग अट्ठे अट्ठे कहीं कर रहे हो? तुम्हारे करतूत देखने आए थे। देख ली चुनरी, तुम्हें कैसा लड़का चाहिए? अगर मैं कहूँ आपकी तरह तो? एक तो ये जो तुम्हारा देवता है ना, बहुत किस्मत वाला है वो, पर मेरी नजर से ना एक नंबर का स्वार्थी है। स्वार्थी तो प्रेम में सभी हो मेरे कोर्सा, मैं भी तो। मैंने तुम्हें दोस्त समझा था और तुम दोस्त से ज्यादा क्यों? किसने अधिकार दिया तुम्हें? मैंने कभी तुमसे कुछ कहा कुछ किया ऐसा तो फिर क्यों? दोस्ती काटने मेरी फीलिंग्स से क्यों खेला चुनरी? क्यों धोखा दिया मुझे? कभी कोई रिश्ता तो तुमने ईमानदारी से निभाया ही नहीं है ना, ना मालिक और दासी का, ना दोस्ती का, और ये घटिया पेंटिंग, ये घटिया लेटर्स, क्या ये देख के भी शर्म आ रही है मुझे? आज के बाद से मुझे शक्ल मत दिखा देना अपने, हटो। क्यों नहीं खा सकती कसम? क्यों नहीं खा सकती बताओ मुझे, मुझे सच जानना है चुनरी, क्यों नहीं खा सकती कसम बताओ? क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ गौर साहब। कि आज तक
जिस देवता के बारे में आप मारे से बार बार पूछते थे ना कि कौन है वो जिसके नाम की सुहाग की निशानियां मैं लगाती हूँ, वो आप है कोर्स। ये फोटो मैंने ना लगाई है, ना ही प्रेम पत्र मैंने लिखे, क्योंकि जरूरत ही ना पड़ी कभी। आपका प्यार मारे मन में बसे है, आपकी तस्वीर मारे दिल में छपी है कुंवर साहब। हे मारी मातेश्वरी, जे दहेज दासी जय बन्ना से प्यार करती है। एक दासी हवेली के राजकुमार से प्यार कर बैठी है और जीसा वहां अपना फैसला सुना रही है, जे बात तुम्हारे को जीसा से बतानी पड़ेगी। जीसा गुड, जो मैं चाहती थी वो तो इस दहेज दासी ने खुद ही कबूल कर लिया। अब तो मुझे इसे खुद धक्के मार के घर से बाहर निकाल देगा। मेरी पहली चाल कामयाब हुई। राशि बिंदनी, आज सारा खाना हमारे जय के पसंद का बनना चाहिए और खास करके पूरी या तो एकदम करारी सेकना। जी बाबा साहब। जीसा, जीसा, अठे आप जय बन्ना के पसंद का खाना बना रही हैं, बटे वो दहेज दास है, जय बन्ना को ही अपने पसंद बनाने की कोशिश कर रही है। जीसा, मारे को तो उसकी नियत पे पहले से ही शक था कि वो इस हवेली की मालकिन बनने का सपना देख रही है, पर आज आज तो मैं अपने कानों से अभी अभी सुन के आ रही हूँ जीसा, वो आपके लाडेसर से ब्याह करने का सपना सजा रही है। जीसा, आज तो सिर्फ उंगली चलाई है, आइंदा से ऐसी मनोज खबर लाएगी ना तो थारी जुबान ही काट लूंगी। क्या कहा तुमने? प्यार मुझसे? मैं आपको सब समझाती हूँ। बस जितना सुनना था उतना काफी है। आज तक मेरे पास आने की कोशिश करती रही, मैंने तुम्हें हमेशा अपना दोस्त समझा, तुम दोस्ती के नाते ही है कि ये घटिया फीलिंग्स पाल रही थी अपने मन में। इतना कैसे नीचे गिर सकती हो तुम चुनरी? और मैं कितना पागल था अनजान रहा इन सारी चीजों से। अब समझ आया कि क्यों तुम्हें मौका मिलने के बाद भी तुम ये घर छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। क्यों आगे पढ़ने का मौका मिलने पर भी तुम आगे पढ़ने के लिए बाहर क्यों नहीं जाना चाहती थी? तुम मेरे बस करीब रहना चाहती थी, तुम बस मेरे करीब रहने का बहाना ढूंढ रही थी। आज तक मैं खुद को समझाता रहा, पर आज मुझे समझ में आया कि तुम एक स्वार्थी और लालची लड़की हो। मैं तुम जैसी लड़की को एक सेकेंड और बर्दाश्त नहीं कर सकता। निकल जाओ यहां से। ना कोर्सा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, प्लीज। आज फैसला तुम नहीं, मैं करूंगा। कोर्सा, कोर्सा, मैंने इतनी चोट डाली।
बाय बाय दहेज दासी, अब जय को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। घर से मैंने छोड़ दीजिए, नीचे उतारिए मैंने, मैंने कोई पाप नहीं किया। देख लो मंदिरा, खुद अपनी आंखों से देख लो कैसे मारा बेटा इस हवेली की गंदगी को साफ करने में लगा है, खुद उस दहेज दासी को बाहर फेंकने गया है। और जे दहेज दासी लाख कोशिश कर सात जन्म भी ले ले, तो भी ना हमारे घर की बहू और ना ही हमारे बेटे जय की बिंदनी बन पाएगी। पहली और आखिरी वार्निंग है ये, आइंदा से मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। आप मैंने ऐसे हवेली से बाहर नहीं फेंक सकते। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम नजारा।